अगला क्वेश्चन है, 3 to the power cube पे पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 to the power x। ठीक, तो सॉल्व करते इसको, तो 5 to the power x का वैल्यू निकालना है। सीट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, तो ये हम लोगों का 21 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम कर लेते हैं। 3 to the power 3 जाए कितना आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिखोगे, 3 का whole square पे पावर कितना आ गया, एक्स। 3 पे पावर 6 इज इक्वल टू 3 to the power 2x, बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दीजिए, 6 इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। देन 5 to the power x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 to the power x का, x का वैल्यू कितना है, 3, यहाँ पे 3 रखेंगे, कितना आ गया, 125। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 125, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, 5 to the power n+2 -6 × 5 to the power n+1 by 13 × 5 to the power n - 2 × 5 to the power n+1, देन द वैल्यू, वैल्यू क्या होगा इसका। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ दीजिए, इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 to the power n+1 × 5 to the power 1 लिख सकते हो, n+2 को, कैसे, बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, देखिए n+1 5 to the power 1, तो यानी बेस सेम तो पावर को ऐड करेंगे, तो 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 5 to the power n+2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 to the power n+1 × 5 to the power 1 -6 × 5 to the power n+1, इसको लिख दिए, बाय 13 है तो 13 × 5 to the power n है तो 5 to the power n, -2 × 5 to the power n+1 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 5 to the power n × 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1, बेस सेम है, पावर को क्या करना होगा, ऐड, पावर को ऐड कर देंगे, n+1 आ जाएगा। ठीक, फिर आगे फर्दर सॉल्यूशन करते, देखिए 5 to the power n+1 यहाँ भी है, 5 to the power n+1 यहाँ भी है, दोनों कॉमन आ गया, क्या आया यहाँ पे, 5 to the power n+1, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना बचा, 5, यहाँ पे क्या बचा, -6, बाय यहाँ पे क्या लिखोगे, दोनों में क्या कॉमन है, 5 to the power n यहाँ भी है और 5 to the power n यहाँ भी है, 5 to the power n को बाहर निकाल लिए, बचा क्या यहाँ, 13 माइनस, अब 5 2s are कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू, अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है, 5 to the power n है और यहाँ पे 5 to the power n है। ठीक, प्लस 1 का मीनिंग अभी तुरंत बताए थे, 5 to the power n × 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं ना, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा, × 6 - 1, तो -1 आ गया, बाय 5 to the power n × 13 में से 10 चला गया, 3, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, 5 to the power n 5 -1, तो -5/3, इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या हो जाएगा, -5/3, तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कोई 22 का 2, ऑप्शन नंबर 2, कोई दिक्कत, तो चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, हो गया। तो 21 के बाद 22 के बाद है 23 है आपका, 23 नंबर, 2√2 - √3 का हर परिमेयकरण क्या होगा, हर परिमेयकरण मतलब रैशनलाइजेशन क्या होगा इसका, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2 - 1/√3, पहले तो इसको लिख दिया सिंपल सा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 2√2 + √3, जो साइन है अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया, ठीक, +√3, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 2√2 + √3 बाय a - b a + b, तो a² - b² तो 2√2 का whole square - √3 का whole square इज इक्वल्स टू 2√2 + √3 बाय 2√2 का whole square कितना आ जाएगा, 8, √3 का whole square क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 2√2 + √3 by 5, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो हर परिमेयकरण अगर बोला गया है तो इसका ऑप्शन नंबर 2√5 + √3, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया तो ऑप्शन हम सही कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 23 के बाद है 24, 24 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, 24 नंबर जो क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 + √3, देन आपको निकालना है x + 1/x का वैल्यू निकालना है, तो क्या कीजिएगा,
एक्स जो है वो पहले 1 बाय एक्स का वैल्यू निकाल लो, 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना दिया, 2 प्लस रूट 2, ये रहा 1 बाय एक्स का जो वैल्यू है वो लिख दी। इसका फिर रैशनलाइजेशन कर लिए, 2 प्लस रूट 2, ऊपर भी क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 माइनस रूट 2, इधर 2 माइनस रूट 2, तो बेस ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस रूट 2 बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, सॉरी √3 है यहाँ पे, √3, ये भी आपका √3। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, 2 माइनस √3 बाय 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस √3 3, 2 माइनस √3 बाय कुछ नहीं तो 1, कितना आ गया, 2 माइनस √3। देन जो वैल्यू है वो क्या होगा, एक्स प्लस 1 बाय एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, 2 प्लस √3 प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना है, 2 माइनस √3, ये दोनों ख़त्म, तो 2 2 कितना हो गया, 4। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 4, तो 4 नंबर यानी ऑप्शन नंबर 3, 24 का 3। हो गया 24 के बाद 25 है, सिमिलर टाइप क्वेश्चंस है, एक्स इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 √3 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है एक्स प्लस 1 बाय एक्स का ही वैल्यू, ठीक। तो सिमिलर टाइप क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चंस का सीट ऑर्डर 1 दिया जाएगा, जिसमें कि आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो 1 बाय 7 प्लस 4 √3, फिर इसका रैशनलाइज किए, 1 बाय 1 माइनस 4 √3, 7 माइनस 4 √3, तो कितना आ गया, 1 बाय 7 प्लस 4 √3, सॉरी, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 4 √3 बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 √3 बाय 7 का होल स्क्वायर 49 और इसका 48, 4 का होल स्क्वायर 16, √3 का होल स्क्वायर 3, 49, 7 माइनस 4 √3 बाय 1, तो कितना आ गया, 7 माइनस 4 √3। अब अगर हम x प्लस 1 बाय एक्स में जाके वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, तो x प्लस 1 बाय एक्स में जाके वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या आ रहा है, x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू निकालना था, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 प्लस 4 √3, इसमें 7 माइनस 4 √3, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, 7 7 14, इसका जो आंसर होगा वो अप्रॉक्स 14 के बराबर होगा, तो 14 25 का 2। 26 नंबर पे चलते हैं, जल्दी जल्दी उतारते जाइएगा और समझते जाइए। 26 नंबर में दिया हुआ है कि √7 का जो वैल्यू दिया हुआ है 6.46 दिया हुआ है, 6.46 दिया हुआ है, तो 1 बाय √7 का वैल्यू निकालना है, तो 1 बाय √7 को क्या लिख सकते हो, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, √7 नीचे भी √7, ठीक, तो √7 √7 √7 हो जाएगा, बाय √7 √7 7 में कन्वर्ट हो गया, तो √7 को क्या लिखोगे, 2.646 बाय 7। तो अब इसको इससे क्या किया जाएगा, सिंपली क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, ये वैल्यू कहाँ से है, तो ये आपके क्वेश्चन में गिवन था कि √7 का वैल्यू इतना लेना है, तो 0.73, 73 जा 21, 21 अगर आता है 21 के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचने के बाद उधर 4, 7 7 जा 49 के बाद उधर 5, 7 8 56, यानी क्या 0.378 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना, 26 का 2 हो गया। चलिए ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा क्या करो, रैशनलाइज कर दो, अगर नीचे में रूट दिया हो तो आराम से उसको रैशनलाइज कीजिए, उसके बाद फिर तुरंत तो बनता हुआ चला जाएगा, ठीक, अगर रैशनलाइज नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से आप लोग के अनुसार सबसे अच्छा क्वेश्चन की गिनती में आता है, 3 माइनस 2 √2, ठीक, इसको क्या करते हैं, इसका एक सिंपल टेक्निक है, वो टेक्निक क्या है वो समझिए, ये रूट के अंदर हमेशा याद रखना कि रूट के बगल वाला जो वैल्यू रहेगा वह हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर याद रहना चाहिए वो चीज़, कि रूट के आगे हमेशा वैल्यू कितने के बराबर हो ना, 2 के बराबर, तो 2 को ऐसे दो भाग में स्प्लिट करो कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करे तो 2 आ जाए, अगर वही दोनों को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो कितना आ जाना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे इसको,
2 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ ऐड करने पे 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई है, जब ये रूट 2 के अंदर में क्या रहे 2 रहे, ठीक। तो यहाँ पे प्लस किए, यहाँ पे रूट, तो रूट 2 है तो रूट 2, और यहाँ पे 1 है तो 1, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हो गया कितना हो गया, तो रूट 2 प्लस सॉरी, तो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा होगा माइनस, जो यहाँ साइन रहेगा वही चीज़ यहाँ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ गया माइनस, तो जो आंसर होगा क्या आएगा रूट 2 माइनस 1, कोई दिक्कत। इसी टाइप का क्वेश्चन अगर लेते हैं, और एक मान के चलिए कि 7 प्लस 2 रूट 12 दे दिया, ठीक। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, हमेशा सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि अंदर वाला जो रूट है उस रूट के आगे कौन सा वैल्यू है, तो ये रूट के आगे क्या है 2 है, सेटिस्फाई कंडीशन है। 4 को ऐसे दो भाग में तोड़ो कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, अगर वही दोनों को जोड़ दें तो कितना आना चाहिए 7, तो 4 और 3, 4 3 12, 4 3 7, ठीक। तो रूट है इधर भी क्या आ गया रूट, तो रूट 4 को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2, रूट 3 है तो रूट 3 टूटेगा नहीं, प्लस है तो बीच में प्लस, इसका जो डायरेक्ट आंसर आ गया कितना आ गया 2 प्लस रूट 3, कोई दिक्कत। उसी टाइप से जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का वेरियस टाइप आता है इसमें, ठीक। तो समझिए ये लिखेंगे क्यों है इसको ऐसा, ठीक। तो देखिए अगर हम सोचो थोड़ा सा, अगर हम इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, 3 माइनस 2 रूट 2 है, एक तरीका है, क्या तरीका क्या था याद रखना है वो हमेशा, कि अंदर में जो रूट है उस रूट के आगे हमेशा 2 रहना चाहिए, तभी ये तरीका वैलिड है। अगर हेलो,